बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। सुबह की उर्दू खबरें लेकर मैं हूँ आपके साथ मलिक रूप, आपकी खदमत में हाजिर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को एक फौजी कर्नल एसएसपी के तौर पर तैनात के हुक्म को मुअत्तल करने की दी हिदायत। हुक्म के मुताबिक कमीशन ने हुकूमत से इस हुक्म की मुअत्तली का हुक्म देते हुए पूछा कि ये तैनाती क्यों की गई है इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर। किश्तवाड़ के बांजवा इलाके में एक अल्टो कार हादसे का हुई शिकार। हादसे में दो खवातीन की मौके पर ही हो गई है मौत, जबकि तीन दीगर हो गए शदीद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर ठाठरी के ट्रामा सेंटर कर दिया गया है मुंतकिल, जहां उनका इलाज है जारी। शुमाली कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए शुमाली कश्मीर के तीन अजला में मुख्तलिफ फोर्सेस की 400 कंपनियां को किया गया है तैनात। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग होगी आज। ये सबसे बड़ा मरहला होगा जिसमें 7 अजला पर मही 40 सीटों की होगी पोलिंग, जिनमें से वादी कश्मीर में 16 जबकि जम्मू की 24 निशस्तों की होगी पोलिंग। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के इस तीसरे और बड़े मरहले में 449 उम्मीदवार है मैदान में। मुमताज आईपीएस ऑफिसर नीलेन प्रभात ने संभाल लिया जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल का ओहदा। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर नीलेन प्रभात ने इंसदाद, दहशतगर्दी और नक्सली मुखालिफ कार्रवाइयों में नुमाया किरदार किया है अदा। वस्ती जिला बड़गाम के बीरवा नाजन इलाके में ईंट के भट्ठे के करीब एक तेंदुआ 4 साल बच्चे को अपने साथ ले जाने में हुआ फरार, जिसकी वजह से 4 साल बच्चे की हो गई है मौत, जिसका ताल्लुक बताया जा रहा है बिहार से। वक्फ बिल पर इंडिया एयरलाइंस करेगा फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा जब इसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी की जानिब से पार्लियामेंट में भेजा जाएगा वापस। समाजी जराइम कार्रवाइयों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस अपना जंग रखा हुआ है जारी। जिला उधमपुर में एक शराब फरोश को किया है गिरफ्तार। कब्जे से 1600 से ज्यादा गैर कानूनी शराब की बोतलें की है बरामद। वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर में तामीराती हादसे के दौरान एक सरसला मिस्त्री की हो गई है मौत, जबकि दो मजदूर हुए जख्मी। ये हादसा उस वक्त आया पेश जब एक पुरानी इमारत का छत अचानक हो गया मुंतहिम, जिसके नीचे दब गया एक मिस्त्री और दीगर दो मजदूर। आज की खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके अनहर्ड। खुदा हाफिज़।